उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पे लास्ट मैंने आपको छोड़ा था। ये कौन सी वाली रिपॉजिटरी है? ये वही रिपॉजिटरी है जो आपने github.com के ऊपर पुश कर ली थी लास्ट, और इसके अंदर हमने एक छोटी सी एक CV तैयार कर ली थी और हमने काफ़ी सारे HTML के मार्कअप्स को एक्सप्लोर कर लिया था। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे ओपन करके देखना चाहें तो कुछ इस तरह की चीज़ हमने जो है वो बना ली थी यहाँ पर इस क्लास के अंदर, और यही आपका असाइनमेंट भी था एक्चुअली। अच्छा, अब आपने अगर मेरी दूसरे क्लास को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है सिर्फ ये वेब डेवलपमेंट का है, जो बाकी तीन सेक्शन और हैं यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तीनों चैट बॉट के हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने HTML के बाद फ़ौरन बस CSS भी पढ़ा दिए ना, तो असल में वो चक्कर ये है कि उनके कोर्स में HTML CSS इंक्लूड नहीं है, तो वो एक 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 दिन में पूरी HTML और एक दिन में पूरी CSS पढ़ाई है उसके अंदर मैंने। ठीक है ना, तो अभी हम इस क्लास में, लेकिन ये वेब डेवलपमेंट की क्लास है, इसमें HTML को हमने ज़रा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो हम ये 8 चैप्टर इस बुक के, जो हमने कल लास्ट क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, दूसरा हमने आधा कर लिया था, तो इस बुक के हम 8 चैप्टर कंप्लीट करेंगे HTML के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर हम CSS पढ़ेंगे, क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, इसके अंदर हमें HTML और CSS दोनों डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, वो जो कोर्स है वो असल में JavaScript से शुरू है डायरेक्ट। ठीक है, उसके अंदर HTML CSS नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम लेकिन यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसका रीज़न ये, मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था आप में से ही किसी ने मैसेज करके कि सर वो तो उनको तो आपने पूरा पढ़ा दिया 20 चैप्टर इस बुक का, और आप हमें तो आपने 2 ही चैप्टर पढ़ाए अभी तक, तो ऐसा कैसे हो गया? तो ये चक्कर नहीं है, उनको 20 चैप्टर नहीं पढ़ाया, उनको मैंने 2 दिन में पढ़ाया। ठीक है, तो अच्छा आज जो हमने बात यहाँ पर टॉपिक शुरू करना है वो है जी सिमेंटिक मार्कअप। ठीक है, सिमेंटिक मार्कअप के बारे में ये लिखते हैं कि देयर आर सम टेक्स्ट एलिमेंट्स दैट आर नॉट इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्ट्रक्चर से उनका ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे हमने लास्ट जिक्र किया था कि स्ट्रक्चर हम किस चीज़ को कहते हैं, किसी भी चीज़ का जो ढांचा होता है उसको हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका स्ट्रक्चर से ताल्लुक नहीं है। अब ऐसी कौन सी, इंसान के ढांचे के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ नहीं है? ठीक है, उसका नाम शायद। ठीक है, नाम स्ट्रक्चर में तो शामिल नहीं होता ना बंदे का, लेकिन नाम से ही आपको हर कोई बुला रहा होता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आप लगाएंगे ना बॉडी के अंदर भी इवन, तो वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आएंगे। वैसे तो इन्होंने कह दिया था कि बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लगती है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट यहाँ पे इन्होंने बता दिए कि आप बॉडी के अंदर उसको लगाएंगे तो आपको वो स्क्रीन पे नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होगा। अच्छा, लेकिन बट दे डू एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द पेज। वो क्या करते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस पेज में ऐड कर देते हैं वो। अच्छा, दे आर नोन एज सिमेंटिक मार्कअप। तो हमने इस पॉइंट पे क्या देख लिया है कि जो हमारे पास मार्कअप्स होते हैं वो मेनली उसकी 2 टाइप्स हैं। मेनली देखो, हर चीज़ की क्लासिफिकेशन होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे जो इस पूरी दुनिया के अंदर जो भी जानवर बसते हैं उसमें एक मैमल्स कहलाते हैं और कुछ कुछ रेप्टाइल्स कहलाते हैं, कुछ बर्ड्स कहलाते हैं। तो ये मेजर 3 क्लासिफिकेशन है दुनिया में बसने वाले तमाम एनिमल्स की, हम जो वो मैमल वाले उसमें लाए करते हैं। सही है, फिर आप मैमल्स के अंदर आओगे तो उसमें भी फिर मज़ीद क्लासिफिकेशन हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर मज़ीद क्लासिफिकेशन है, फिर ह्यूमंस तक हम जब पहुँचते हैं तो हमारे अंदर भी क्लासिफिकेशन है। एक हमारे अंदर सेपियन थे, एक होमोसेपियन थे, और हम होमोसेपियन सेपियन पता नहीं क्या है हम। सही है, तो वो कुछ साइंसदानों ने कोई क्लासिफिकेशन की भी हमारी भी ना। ठीक है, हमारे निंद्राल होते थे, जो मैंने वो ओरिएंटेशन क्लास में भी शायद जिक्र किया होगा अगर किसी ने अटेंड की थी वर्कशॉप के अंदर, तो वो एक निंदाथराल फैमिली है, एक अभी और भी पता नहीं 2-3 निकल आए हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट थे, उनके स्ट्रक्चर वगैरह बिल्कुल डिफरेंट था ना। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो मार्कअप्स हैं, ओवरऑल जितने भी मार्कअप्स अवेलेबल हैं हमारे पास, उसके अंदर 2 मेजर क्लासिफिकेशन, तो हमने ये 2 क्लासेस देख ली। नंबर 1 क्या होगा, सिमेंटिक मार्कअप होगा। नंबर 2 क्या होगा, स्ट्रक्चरल मार्कअप होगा। स्ट्रक्चरल मार्कअप जो है, जैसे H1 पैराग्राफ वगैरह, ये सारे स्ट्रक्चरल मार्कअप हैं, यानी जब ये मैं लगाऊंगा तो मुझे स्क्रीन पे ये नज़र आएंगे और स्ट्रक्चर से इसका ताल्लुक है। और कुछ सिमेंटिक टैग्स भी अभी तक हमने वो देखे नहीं है, कौन से अभी देख लेते हैं।
अच्छा कह रहे हैं कि इन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर यू विल मीट सम मोर एलिमेंट्स दैट विल हेल्प यू व्हेन यू एडिंग टेक्स्ट टू द वेब पेज. फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू मीट एम्फेसाइज एलिमेंट दैट अलाउ यू टू इंडिकेट वेयर टू एम्फेसाइज. अच्छा कह रहे हैं कि आप एक एम्फेसाइज आपको सबसे पहला टैग मैं पढ़ाऊंगा जो सिमेंटिक एलिमेंट है, जो स्क्रीन पे नज़र आने वाला एलिमेंट नहीं है. अच्छा ब्राउजर्स ऑफन डिस्प्ले द कॉन्टेंट ऑफ दीज एलिमेंट इन अ डिफरेंट वे. कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ ब्राउज़र जो है ना वो इस तरह के जो एलिमेंट हैं, जो सिमेंटिक एलिमेंट जो है, उसको जो है ना डिफरेंट तरह से डिस्प्ले भी कर देते हैं. कुछ ब्राउजर्स इसको डिस्प्ले भी कर देते हैं, लेकिन ब्राउजर टू ब्राउजर की शायद वेरी करता है. फॉर एग्जांपल कह रहे हैं एम्फेसाइज का जो टैग है ना उसको कुछ ब्राउजर इटैलिक करके दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे एम्फेसाइज लगा होता है उसको स्क्रीन के ऊपर इटैलिक करके दिखा रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा और एक ब्लॉक कोट करके एक चीज़ है, ठीक है, इज़ यूजुअली इंडेंटेड. इंडेंटेड का मतलब क्या होता है कि जो जैसे मिसाल के तौर पे ये पेज है यहाँ से सारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है तो वो ज़रा थोड़ा आगे होके शुरू होता है, तो उसको हम कहते हैं इंडेंटेड. तो ब्लॉक कोट एक टैग है, ये भी सिमेंटिक मार्कअप है, लेकिन इस ये जहाँ पे लगा होता है तो यूजुअली कुछ ब्राउज़र क्या करते हैं उसको ज़रा इंडेंट करके दिखा देते हैं. अच्छा बट यू शुड नॉट यूज़ देम टू चेंज द वे दैट योर टेक्स्ट लुक्स. अब कह रहे हैं कि बावजूद इसके कि ये क्या करते हैं, कुछ ब्राउज़र में इटैलिक हो के नज़र आते हैं और कुछ ब्राउज़र में इंडेंट हो के नज़र आते हैं, लेकिन आपने इन टैग्स का, इन मार्कअप्स का इस्तेमाल इस चीज़ के लिए नहीं करना है कि आपका टेक्स्ट नज़र कैसा आता है. ठीक है, क्योंकि इसका मकसद नहीं है ये एक्चुअली ये टैग नज़र आने ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ब्राउज़र उसको डिस्प्ले कर देते हैं. देयर पर्पस इज़ टू डिस्क्राइब द कॉन्टेंट ऑफ योर वेब पेज मोर एक्यूरेटली. कह रहे हैं कि इसका काम क्या होता है कि आपके वेब पेज के ऊपर जो कॉन्टेंट है ना उसको डिस्क्राइब करे मोर एक्यूरेटली. कि मिसाल के तौर पर लिखा क्या है आपने, ठीक है, अभी वो हम आगे देख लेंगे कि वो एम्फेसाइज किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा होता है, इसको हम आगे अभी देख लेंगे. अच्छा अब ये ना आ गया कि जी ये चार इन्होंने टैग बता दिए इसके ऊपर ना, ठीक है, ये बुक की फॉर्म में मैंने खोला हुआ है कि ज़रा एक लेफ़्ट पेज एक राइट पेज आपको एक साथ स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन इसको मेरा ख्याल है कि वापस हम उस पर कर देते हैं कंटिन्यूस स्क्रॉल के ऊपर, ये वाला शायद ज़्यादा अप्रोप्रिएट है हमारे लिए. लेकिन कुछ पेजेस पे मुझे दोबारा वो वाले व्यू पे जाना पड़ेगा क्योंकि जो है ना इन्होंने बुक को कुछ इस तरह से ही डिज़ाइन किया है कि वो दो साइड वाले पेज पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं. अच्छा जी तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग क्या करता है, द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इंडिकेट्स दैट इट्स कॉन्टेंट हैज़ स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंस. ठीक है, जहाँ पे भी आपने किसी पैराग्राफ के अंदर किसी एक वर्ड को आपने स्ट्रॉन्ग लगाया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि उस कंटेंट के ऊपर जोर दिया जाएगा कि वो उसकी हैसियत उसके अंदर ज़्यादा है, उसकी एक स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंस है उस जुमले के अंदर. फॉर एग्जांपल वर्ड्स कंटेनिंग दैट एलिमेंट माइट बी सेड दैट विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज. ठीक है, कह रहा है कि मिसाल के तौर पे बोलने में उस वर्ड को आप कैसे बोलेंगे, ज़रा उस पर जोर दे के बोलेंगे, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज करेंगे आप. अच्छा मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जी बेवियर पॉकेट पिकर्स ऑपरेट इन दिस एरिया, तो इसमें जो बेवियर है ना इसको इन्होंने क्या कर दिया है, स्ट्रॉन्ग कर दिया है. अच्छा स्ट्रॉन्ग जब आप किसी एलिमेंट स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जब आप लगाते हैं किसी भी वर्ड पे तो इसको मोस्टली ब्राउज़र क्या करते हैं, बोल्ड करके दिखा देते हैं, लेकिन इसका मकसद बोल्ड करना नहीं है, तो आपको बोल्ड करने के लिए आप बोल्ड का ही इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अगर कहीं पे आपने किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो आप बोल्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसका इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज की ज़रूरत है. अच्छा तो इसको अगर उर्दू में बोलते हैं इस जुमले को, ये बिहेवियर वाले जुमले को, तो क्या बोलते हैं इसको उर्दू में, खबरदार जेब कतरों से होशियार. ठीक है, ये जेब कतरों से महफूज रहे, कैसे बोलते हैं बीआरटी में बोलते हैं इसको, ये कैसे बोलते हैं, नहीं नहीं वो अकफला नहीं, इस तरह भी बोलते हैं, पॉकेट पिकर्स का भी कुछ बोलते हैं वो,
अच्छा इसको पश्तो में कैसे बोलेंगे? बेवियर पॉकेट पिकर ऑपरेट इन दिस एरिया। जोर से बोलो। अच्छा नहीं, जेब कतरों को क्या बोलते हैं? जेब वाहन। जेब वाहन के नखपल अजान। सही है, मतलब अपनी जेबों की हिफाजत खुद करें, ये सही है। तो वेल, तो इसमें ये जो है ना, ये खबरदार वाला तो लिखिए, इसमें नहीं आया खबरदार, तो नहीं आया पश्तो के अंदर। खबरदार का क्या मतलब है? ख्यान कवा। और खबर होगा का क्या मतलब होता है? खबर होगा। अच्छा सही है, सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा मैं। अच्छा तो हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे ना आप जिस चीज़ पे जोर देना होता है ना उसके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज लगाते हैं। अच्छा अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज लगाएं, ठीक है? तो थोड़ा कम एम्फेसाइज के लिए क्या चीज़ मौजूद है हमारे पास? इसी के नीचे मौजूद है ई एम, ठीक है? ये थोड़ा कम एम्फेसाइज के लिए। लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज है ना कि भाई खबरदार, उसके बाद मैं बाकायदा एक पॉज लूँगा खबरदार बोलने के बाद, और शायद उसको ज़ोर से आवाज़ में बोलूँगा, जैसे मस्जिद में कहते हैं ना कि जी एक ज़रूरी ऐलान सुने, उसके बाद वो थोड़ा पॉज लेके फिर एक्चुअल बात करते हैं और वो नॉर्मल अंदाज में करते हैं। लेकिन एक ज़रूरी ऐलान सुने, इसको कैसे बोलते हैं यहाँ पे मस्जिदों में? ऐलान करते हैं मस्जिदों में यहाँ? ज़रूरी ऐलान मावरे, ज़रूरी ऐलान वावरे, कि एक ज़रूरी ऐलान होने लगा है अभी, सुने। अच्छा वावरे का मतलब है सुने, एक ज़रूरी ऐलान सुने। अच्छा तो वो तो हो गया स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज, लेकिन एक एम्फेसाइज होगा थोड़ा उससे कम। लेकिन ये जो कम वाला एम्फेसाइज है ना, आप इसको अगर देखेंगे तो इससे भी क्या होता है, जुमले का जो मीनिंग है वो एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे इस तीन जुमलों के अंदर आप देखें, इन्होंने अलग अलग वर्ड पे एम्फेसाइज किया है। जुमला है आई थिंक ईव वाज द फर्स्ट, ठीक है? ये जुमला है, और इस जुमले के अंदर तीन अलग अलग जगह पे एम्फेसाइज करने से इस जुमले के मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं, सही है? अच्छा क्या इसने लिखा है जी? सबसे पहले मैं इसको बोलता हूँ अगर कि आई थिंक ईव वाज द फर्स्ट, कि यानी मैं, मेरे ख्याल में, ये मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ कि व्हाट आई थिंक, ठीक है? कि आई थिंक ईव वाज फर्स्ट, ठीक है? ये मैंने बता दिया कि यार मेरे ख्याल में ईव फर्स्ट था। अच्छा दूसरा वाला जो है कि आई थिंक ईव वॉज द फर्स्ट, इसका क्या मतलब हो गया? हाँ इसका मतलब ये हुआ कि शायद कोई दूसरा बंदा शायद कह रहा होगा कि कोई और फर्स्ट है, या किसी और को फर्स्ट करवा दिया गया है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं यार वो नहीं था, ईव फर्स्ट था, इस तरह की कोई बात हुई है। पहले तो इसने अपना ख्याल बताया था कि आई थिंक ईव वॉज द फर्स्ट, यानी अभी जो गुफ्तगू हो रही है उसमें लोगों को शायद याद नहीं है कि कौन था फर्स्ट, तो इसने कहा कि आई थिंक ईव वॉज द फर्स्ट, एक तो ये हो गया। दूसरे जुमले के अंदर कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि किसी कोई और शायद सामने फर्स्ट की फ़ोटो नज़र आ गई है या कोई और, तो इसने बोला कि यार ये फर्स्ट नहीं था, आई थिंक ईव वॉज द फर्स्ट, कि वो फर्स्ट उसको होना चाहिए था, इस तरह की कोई बात हुई है। तो आप देखें जुमले का मतलब एकदम बदला है। अच्छा फिर तीसरे में आई थिंक ईव वॉज फर्स्ट, अब फर्स्ट पे जोर दिया जा रहा है, इसमें एम्फेसाइज फर्स्ट के ऊपर है, ठीक है? हाँ तो अब शायद यहाँ पे बात ये हो रही है कि कोई, किसी ने, बंदे ने शायद सवाल पूछा कि ईव कितने नंबर पर आया था, शायद ही किसी ने ये पूछा है, तो उसने बोला आई थिंक ईव वॉज फर्स्ट, तो एकदम जुमले का मतलब जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है? अभी इसका कोई उर्दू वाला जुमला मेरे जहन में नहीं है फ़िलहाल, उर्दू वाला कोई जुमला होता तो शायद ज़्यादा मेक सेंस करता वो, लेकिन आई थिंक बात समझ आ गई है, है ना? जब एम्फेसाइज किसी भी जगह पे हम जुमले में कर रहे होते हैं, इन्होंने तो एक क्राफ्टेड एक जुमला यहाँ पे लिखा है, एक ऐसा जुमला लिखा है जिसमें ये तीन अलग अलग मीनिंग उसके निकल सकते हैं, ठीक है? हर जुमले में ऐसा नहीं होगा कि तीन मीनिंग हो, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो जुमले को चेंज कर देता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं एक जुमला क्राफ्ट करता हूँ इसी से मिलता जुलता, तो
मैं कहता हूँ कि यार आई थिंक एंड्रॉयड इज़ द बेस्ट फ़ोन, ऐसे एक बंदे ने बात की कि मेरा ख्याल है कि एंड्रॉयड सबसे अच्छा फ़ोन है। अच्छा, या अगर अभी मैंने ख्याल पे जोर दिया है यानी आई थिंक वाले पे, अच्छा इसी में मैं नीचे आ जाऊँ कि आई थिंक एंड्रॉयड इज़ द बेस्ट फ़ोन, कि शायद कोई और कह रहा हो यार एंड्रॉयड न्यूज़पेपर है, मैं कह रहा हूँ ना आई थिंक एंड्रॉयड इज़ द बेस्ट फ़ोन नॉट न्यूज़पेपर। तो इस तरह से मैंने फ़ोन पे जब इसको जोर दिया तो शायद वो कहीं ना कहीं इसकी इस जुमले की जो सेमेंटिक मीनिंग्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव आ गया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं चेंज आ गया है। ठीक है, सेमेंटिक मीनिंग्स से क्या समझते हैं आप लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इस वर्ड पे शायद गुफ्तगू करनी ज़रूरी है इस पॉइंट पे। व्हाट डज इट मीन बाय सेमेंटिक्स, किसी का कोई ओपिनियन है? अंग्रेजी में सेमेंटिक्स किस चीज़ को कहते हैं, कोई बता पाएगा यहाँ पे? क्योंकि वो सेमेंटिक मीनिंग चेंज हो रही है तो मतलब समझ में तो आया ना ये सेमेंटिक है क्या चीज़। हमारे एक टीचर हैं बड़े अच्छे, नौशाद आरजू साहब, जिनसे मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में प्रोग्रामिंग मैंने उन्हीं से पढ़ी थी आज से पता नहीं 15 साल पहले। तो वो बड़ी अच्छी एक बात करते हैं कि यार नाम के अंदर ना सारा मतलब छुपा हुआ होता है, किसी भी चीज़ के आप नाम पे गौर करेंगे ना तो आपको सारी कहानी समझ आ जाती है। तो ये अब एम्फेसाइज है ना, जो एम्फेसाइज करने से वो कह रहा है सेमेंटिक मीनिंग्स में चेंज आ जाता है। तो वो हमने वैसे तो समझ लिया कि वो चेंज क्या है, लेकिन सेमेंटिक का वर्ड भी ज़रा सा हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो कोई अगर आप में से मुझे बताए कि सेमेंटिक अंग्रेजी में किस चीज़ को कहते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा, ये मैंने लिखा है गूगल के ऊपर सिमेंटिक। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि यार रिलेटिंग टू मीनिंग इन लैंग्वेज और लॉजिक, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर से देखते हैं। कि एक जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स से मिलके जो जुमला बनता है तो उस जुमले की कोई ना कोई लॉजिक होती है, उस जुमले का कोई ना कोई मतलब होता है। तो उस मतलब को जो है ना हम सेमेंटिक्स कहते हैं, कि उसका मकसद क्या है। जैसे कोई बंदा कोई बात कहता है तो उसका मकसद क्या है। मिसाल के तौर पे कभी कोई बंदा कोई बात कहता है सामने वाले को टॉन्ट करने के लिए ना, तंजिया तौर पे कह रहा होता है। कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा है वो उसको कह रहा है यार आप बड़े खूबसूरत लग रहे हो माशाल्लाह आज, ठीक है वैसे तो जुमला ये ठीक ठाक है मतलब, लेकिन उस डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन के वो मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने पहली दफ़ा मेकअप किया है, किसी औरत ने मेकअप किया है कुछ है ना तो जो शादीशुदा बंदे हैं वो समझ सकते हैं, फिर बोलना पड़ता है ना कि माशाल्लाह आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप। तो मतलब सम टाइम आप वैसे ही कह रहे होते हो कि यार खूबसूरत एक्चुअल में वो होता भी नहीं है लेकिन आपको बोलना पड़ता है मजबूरन, तो वो उसकी सिमेंटिक अलग होता है। अच्छा, वो सामने वाले को भी पता होता है कि ये क्या मामला है, लेकिन ज़रा ख़वातीन को अच्छा लगता है ये सुन के ना, ख़वातीन की तारीफ़ करो ना उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो कर देनी चाहिए। ठीक है, हाँ बाय द वे आपको पता है इस्लाम में 2 मौक़ों पे झूठ बोलने की इजाज़त है। हाँ, नंबर एक क्या है? और नहीं, 2 लोगों के दरमियान उसमें तो इजाज़त है, यहाँ पे हुक्म है, 2 जगहों पे झूठ बोल सकते हैं आप, बीवी से झूठ बोल सकते हैं आप, सही है ना, बीवी की तारीफ में आप झूठ बोल सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है सर अभी हाँ नहीं, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया हमें ना, ठीक है कि बीवी की तारीफ़ करने के लिए झूठ बोल सकते हैं, दूसरा जंग के मौके पे आपने झूठ बोलना है। अगर आपको दुश्मन पकड़ ले सामने से और आपसे पूछे कि हाँ भाई बताओ अपनी स्ट्रेटजी, तो मुसलमान तो वैसे सच्चा होता है, तो मुसलमानों ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पे कि अभी वो अगर उधर मैं गया और उन्होंने पकड़ लिया तो फिर मैं क्या सच सच बता दूं या आपने जो प्लान किया सारा, तो आपसे उन्होंने कहा नहीं सच बोलने की ज़रूरत नहीं है सही है। तो उस
आप वहाँ पे उसको कोई दूसरी कहानी भी सुना सकते हैं तो जंग के मौके पे और बीवी, तो आप समझ रहे हो ना, दोनों को रिलेट कर पा रहे हो ना आप? हाँ, सारे सिंगल हैं यहाँ पे यार, पठान तो जल्दी शादी करते हैं, तुम लोग सिंगल क्यों अभी तक? अभी नहीं करते हैं यार, यही रोना मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब ही तो आईटी सिखा रहे हैं आपको ताकि पैसे कमाओ डॉलर में, फिर 20 लाख 20 लाख कोई मसला नहीं है। अच्छा, गुड यार। अच्छा अच्छा नहीं, इंशाल्लाह एजुकेशन जो शायद आपने कोई दूसरी वाली कर ली है, जो डिग्री वाली एजुकेशन आपने कर ली है शायद, लेकिन ये जो हुनर वाली एजुकेशन है ना, स्किल वाली एजुकेशन है, इससे तो फौरन पैसे आते हैं, इससे तो एकदम सेट हो जाता है मामला। वेल, तो हमने ये बात की यार, सिमेंटिक मीनिंग की बात की है कि अगर कोई बंदा ज़रा सांवला है, ज़रा रंग उसका डार्क है और उसने कुछ पाउडर शॉडर लगाया अपने पास ना, अब उसके दोस्त आगे कहते हैं माशाल्लाह यार आप तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो आज, तो इसका मतलब क्या है कि वो तंजिया तौर पे उसको कहा जा रहा है ना। तो ये जो इसको कहने का जो मकसद है किसी जुमले को, उसको हम कहते हैं सिमेंटिक, कि वो मकसद क्या है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि लिखे हुए जुमले के अंदर से ना ये पढ़ के बताया नहीं जा सकता कि ये जुमला किस तरह कहा गया है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि उसके पीछे के 4-5 जुमले का कॉन्टेक्स्ट हो और आगे के 4-5 जुमले की भी कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम उर्दू में हम कहते हैं ना मंजरकशी कहते हैं, कि पहले एक मंजर डिफाइन होता है कि अच्छा जी बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, ज़रा लाइट गई हुई है, अंधेरा है। ठीक है, और तो इस तरह करके वो पहले पूरा मंजर बताते हैं कि जी रूम के अंदर जो है ना एक लैंप रखा हुआ है और वो लालटेन वाला लैंप है, वो जल रहा है, और क्या कहते हैं एक मेज़ पे बंदा बैठा हुआ है, इस तरह करके बताते हैं, पूरा मंजर बताते हैं। तो अनटिल अनलेस के पूरा ये मंजर बताया जाए, या कोई अब एक दोस्त दरवाजे पे दस्तक देता है, अब उस दोस्त के बारे में कि जी वो दोस्त इसका बचपन का दोस्त है, स्कूल में ये साथ पढ़ते थे, और ये दोस्त जो इसका रंग ज़रा सांवला है तो बच्चे इसको चढ़ाते हैं इसके लिए, है ना, इस तरह। अच्छा, वैसे ये अच्छी बात नहीं होती है, किसी का रंग सांवला उसको चढ़ाना नहीं चाहिए, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया है कि आप किसी की दिल आज़ारी नहीं आपने करनी होती। तो वो अब अंदर आते हैं ना, तो अब इसने अगर कोई बात की है तो उसका हमें कॉन्टेक्स्ट पता है, तो अब जाके हमें पता लगता है। तो वेबसाइट के ऊपर भी ना ये, क्योंकि लिखा हुआ कंटेंट होता है, लिखा हुआ टेक्स्ट होता है, तो इसके अंदर भी ना हम सिमेंटिक्स को ज़रा ठीक करने के लिए हम ये सिमेंटिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने अभी तक दो एलिमेंट्स पढ़ लिए, नंबर एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज और नंबर दो नॉर्मल एम्फेसाइज। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कोटेशन। अच्छा, ये क्या चीज़ है जी? ब्लॉक कोट। देर आर टू एलिमेंट्स कॉमनली यूज फॉर मार्किंग अप कोटेशन। अच्छा, कुछ ऐसे जुमले होते हैं जिनको हम क्या कर देते हैं, अपनी वेबसाइट पे मार्क कर देते हैं कि ये किसी का कोट है, ये सही है, कोटेशन समझते हो ना, किसी के कोट, किसी फला बंदे ने कोट किया ये, यार उसको हम कोट को क्या कहते हैं, महावरा तो नहीं कहते हैं, कहावत कहते हैं, कहावत है ना, कहावत या अल्लामा इकबाल का कौल है, हाँ, अक़वाल ज़रीन जिसको कहते हैं, अक़वाल ज़रीन को हम कहते हैं कोटेशंस। ठीक है, तो किसी का कॉल होता है तो हम किसी का कॉल नकल करते हैं, तो साथ में उसका हम नाम लिखते हैं कि जी ये, और कोटेशन में लिखते हैं उसको, डबल कोटेशन में, कि जी ये किसी ने बात की, या कोई बंदा कहता है कि यार मेरे दोस्त ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो किसी उसकी बात मैंने नकल की है ना, तो सेकंड पर्सन के उसमें बात हो रही है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि जी ब्लॉक कोट एलिमेंट इज़ यूज फॉर लॉन्गर कोटेशंस, लॉन्गर कोट्स दैट टेक अप एंटायर पैराग्राफ। ब्लॉक कोट हम किस तरह की कोटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ज़रा लंबे कोट होते हैं, ठीक है, एंड दैट टेक एंटायर पैराग्राफ, ये कम से कम वो 3 लाइन का होना, जब हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नोट दैट पैराग्राफ एलिमेंट इज स्टिल यूज इनसाइड द ब्लॉक कोट एलिमेंट। कह रहे हैं कि जी अगेन आपने पैराग्राफ का एलिमेंट यहाँ पर इस्तेमाल करना है, पैराग्राफ का एलिमेंट यहाँ पर इस्तेमाल करना है आपने, क्योंकि ये तो इंडेंट जो कर रहा है ना, वो इसका मकसद नहीं है इंडेंट करना, इसका मकसद तो ये है कि वो पता लग जाए कि यार ये जो है ना सिमेंटिक एलिमेंट पता लग जाए उसका, उस बात का। तो पैराग्राफ स्टिल उसमें यूज़ होगा, क्योंकि वो एक पैराग्राफ भी तो है ना एट द सेम टाइम। अच्छा, ब्राउज़र टेंड टू इंडेंट द कॉन्टेंट ऑफ ब्लॉक कोड, कह रहा है उसको इंडेंट करेगा थोड़ा पेज से,
अगर लेफ्ट से शुरू होने वाली लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज अगर है, तो जो लेफ्ट से शुरू होती है तो लेफ्ट से थोड़ा दीवार से आगे कर देगा उसको। अगर उर्दू या अरबी है जो राइट से शुरू होने वाली लैंग्वेज है, तो राइट दीवार से थोड़ा उसको आगे करके इंडेंट करके उसको दिखा रहा होगा। ठीक है, हाउ एवर यू शुड नॉट यूज़ दिस एलिमेंट टू इंडेंट अ पीस ऑफ टेक्स्ट। कह रहे हैं कि आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना अगर किसी इंडेंट, आप एक एक हम कहते हैं ना उसको क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा उसको हम कहते हैं, एकदम मेरे जहन से वो निकल गया। हाँ, जैसे कोई चीज़ होती है ना, तो वो सिर्फ ग्राफिकली अच्छा लगने के लिए उसको लगाया गया होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता पीछे। एकदम मेरे जहन से वो निकल गया यार। वेल, तो कुछ चीज़ें होती हैं वो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए होती है ना, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। मिसाल के तौर पे जब ऐसे ऐसे आपने एक पेज खोला, वेब पेज, अब उस वेब पेज में क्या होता है कि जो दोनों साइडों से ना, यानी जो दोनों साइड्स हैं वेब पेज की, अब उसमें ना एक बेल लगी हुई है, जो पौधा ऐसे पौधा निकल के यूँ दिख रहा है सामने से, बेल लटक रही है सजावट, तो वो कम्प्लीटली उसको सजावट के लिए उसके अंदर ना ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाया है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, वो मेरे जहन से निकल रहा है। तो एक तो वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो जो प्योरली सजावट के लिए होते हैं, उसका कोई मीनिंग वीनिंग नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने ना वो सजावट के लिए उसको करना है ना इंडेंट अगर, तो आप उसके लिए ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो तो ब्राउज़र दिखा देते हैं इंडेंट करके, वो कुछ ब्राउज़र दिखाते हैं, सारे भी नहीं दिखाते। तो कह रहे हैं कि अगर आपने सजावट के लिए उसको साइड से इंडेंट करना है, तो आप इस ब्लॉक कोड को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके आप अलग से उसके ऊपर लगाएंगे कि जी इंडेंट CSS के ज़रिए। वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, पहले 8 चैप्टर HTML के पढ़ेंगे, फिर CSS में जाएंगे, तो वहाँ पर इंडेंट CSS के ज़रिए करना किस तरह होता है वो भी हम देख लेंगे। हाँ, डेकोरेटिव कहते हैं उसको, यहाँ नाम याद आ गया मुझे। ठीक है, तो प्योरली डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए अगर आपने उसको करना है, ठीक है, डेकोरेटिव ये नाम याद रखना। अच्छा, एक अब आ गया क्यू का एलिमेंट। अच्छा, एक तो ब्लॉक कोड था कि जी पूरा पैराग्राफ होगा तो ये इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्यू वाला जो है वो क्या है, क्यू एलिमेंट इज़ यूज फॉर शॉर्टर कोड्स दैट सिट विद इन अ पैराग्राफ। कि जी एक पैराग्राफ है और उसके दरमियान में ही लिखी हुई है कोई बात। जैसे कि आप देखें यहाँ पे दो कोट है, एक तो ये है 2 लाइन का, ठीक है, डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक एंड फॉरगेट टू स्टार्ट अगेन। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि आप सोचना भूल गए हो और दोबारा इसको स्टार्ट करना भी भूल गए हो? ये किसी का कोट है, आई एम नॉट श्योर कि ये किसका कोट है। तो ये एक पैराग्राफ वाला है पूरा, तो इसके अंदर इन्होंने क्या लगाया हुआ है, ये ब्लॉक कोड लगाया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा इंडेंट होके दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये अगला पैराग्राफ जो लिखा है, ये पैराग्राफ के दरमियान के अंदर ये कोड लिख दिया इन्होंने कि जी ये ए मिलन सेड सम पीपल टॉक टू एनिमल्स नॉट मैनी लिसन दो दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, कह रहे हैं कि कुछ लोग एनिमल्स से बात करते हैं लेकिन बहुत सारे एनिमल सुन नहीं सकते, तो वो कह रहे हैं कि यार दैट्स द प्रॉब्लम, बंदे बात तो करते हैं लेकिन वो सुनते ही नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कौन से एनिमल्स हैं जो सुन नहीं सकते? सांप सबसे पहले है, सुन नहीं सकता वो, सही है। हमारे यहाँ जो वो बीन बजाता है ना, पी 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 सांप के आगे, वो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं क्योंकि सांप सुन नहीं सकता है। ठीक है, सांप जस्ट उसकी ना मूवमेंट को देखता है, सांप क्या क्या ऐसे ऐसे हाथ भी करेंगे तो वो एक ही बात है। ठीक है, तो बीन जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, बीन बजाया तो सारे निकल के आ गए, ये ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि बीन क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता है, तो वो सिर्फ देखता है और मूवमेंट के ऊपर सारा कुछ करता है। और जो सांप के पास एक ज़ुबान होती है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाहर निकालता रहता है उसको, तो वो ज़ुबान से बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है। यानी मतलब हम वो नहीं, उसके ज़ुबान को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी ज़ुबान हम सिर्फ खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, और लंबी लंबी बातें करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो उससे बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। मिसाल के तौर पे अगर आसपास कोई खाने पीने की चीज़ है ना, तो उसको ज़ुबान निकालता है तो उसमें उसको फ़ील हो जाता है कि अच्छा जी वो, तो उसी रास्ते पर फिर जाता है वो, तो वो ज़्यादातर काम वो ज़ुबान से कर रहा होता है। ठीक है, मोस्ट सांप से यार, वो तो वैसे भी फिक्शन है ना, हैरी पॉटर तो वैसे भी फिक्शन है, उसमें तो कोई भी चीज़ रियल तो नहीं है ना। हाँ, वो जादू सीखने वाला स्कूल होता है उसके अंदर, तो इस तरह का स्कूल तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता।
जो जादू सिखाता हो, ठीक है। बाय द वे जादू को भी ना ज़रा हैरी पॉटर में भी और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जादू को बड़ा फैंटेसाइज करके और बड़ा ब्यूटीफाई करके दिखाते हैं, हालांकि जादू जो है वो हराम है, ठीक है ना। जादू करने वाला इस्लाम से बाहर है, उसमें ज़रा वो दिखाते हैं यार छोटे बच्चे हैं वो सीख रहे हैं उड़ना सीख रहे हैं फिरना सीख रहे हैं पता नहीं, ठीक है। जादू इस तरह नहीं होता है, जादू जो है वो बड़ा डिफरेंट चीज़ है वो, ठीक है ना। तो जादू असल में शैतान से कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप शैतान को बाकायदा अपना आप उसको सौंप देते हो, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो कहता है यार आप मेरे लिए ये करो मैं आपके लिए ये करूँगा, ठीक है। तो वो चार चीज़ें अपनी करवाता है फिर एक काम करता है वो, ठीक है। और वो भी मतलब बड़ा, अभी एक मैं रिसेंटली देख रहा था किसी की वो कारगुजारी कि वो कोई जादू वाला था, तो वो जब एंड मरने लगा तो उसके साथ बड़े मामलात हुए थे, अब लिखेंगे ना यूट्यूब पे तो आपके पास आ जाएगा। तो फिर जाहिर है जब आप यानी अल्लाह को सजदा करता है ना मुसलमान, तो अब जब अल्लाह को छोड़ के आप शैतान को सजदा करोगे तो इस्लाम में फिर आपकी कोई गुंजाइश तो नहीं है ना। तो जादू जो है वो बिल्कुल हराम चीज़ है, और ये मूवीज़ में ना ज़रा इसको फैंटेसाइज करके ब्यूटीफाई करके दिखाते हैं, तो इससे महफूज रखें अपने आप को बिल्कुल, हाँ ठीक है। और ये इसमें सिर्फ जादू करने वाला नहीं है, अगर कोई आप में से कोई भी है ना जो मतलब कहीं जाता है करवाने जादू, तो वो भी इसके बराबर का शरीक है इसके अंदर, क्योंकि वो भी अल्लाह को छोड़ के शैतान से मदद मांग रहा है वो, ठीक है ना। तो जादू अगर आप किसी किसी के जहन में ये था ना कि महबूब आपके कदमों में तो ये जितने महबूब आपके कदमों में लगे हुए हैं ना सारे, ये ख़ुद भी इस्लाम से बाहर हैं और इनके पास जो जाएगा तो वो भी इस्लाम से बाहर है, ठीक है। तो बाकी अगर किसी ने कोई रابطہ कर चुका है, क्योंकि सारे सिंगल हैं यहाँ माशाल्लाह तो तौबा कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अल्लाह पाक आपकी तौबा को कबूल करेगा, मसला नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास अगला है एब्रीवेशंस एंड एक्रोनियम्स, ठीक है। अच्छा जी, कौन बताएगा कि एब्रीवेशन किस चीज़ को कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे इन्होंने एब्रीवेशन और एक्रोनियम दो अलग अलग लिखा है, तो कोई आप में से ये बता पाएगा कि एब्रीवेशन और एक्रोनियम में क्या डिफरेंस होता है? जी हाथ खड़ा किया था पीछे दोस्त ने। एक्रोनियम वो जो के फर्स्ट इनिशियल वर्ड्स को इकट्ठा कर देते हैं। स्टैंड फॉर। हाँ बताओ और बताओ। हाँ भाई और लोग बताएं। सर जब हम फॉर एग्जांपल जो सही नहीं, अंग्रेजी के अंदर ये तो दिखा रहा होता है हाथ रखने से नीचे, लेकिन अंग्रेजी में एब्रीवेशन और एक्रोनियम किस चीज़ को कहते हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। अच्छा एब्रीवेशन जो है ना, देखो ये पी प्रोफेसर को ना पी आर ओ एफ लिखा हुआ है प्रोफ, तो दिस इज एब्रीवेशन, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे आप देखें नासा लिखा हुआ है, तो नासा जो है ना वो एक्रोनियम है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस तो इसमें ये है कि यार प्रोफेसर को लिखते तो शॉर्ट करके हैं, लेकिन पढ़ते शॉर्ट नहीं है उसको कभी भी, पढ़ते प्रोफेसर पूरा ही है, ठीक है। अगर प्रोफ लिखा होता है तो हम उसको पढ़ते हैं कि भाई प्रोफेसर स्टीफन हॉकिन इज़ अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट। अच्छा ऑन अदर हैंड जो नीचे वाला है ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म अपने आप में एक नाम बन चुका है ना। नासा को कोई ये पूरा नाम कोई नहीं पढ़ता है, उसको नासा ही पढ़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ है जो अपने आप में एक नाम है उसको हम क्या कहते हैं कि जी जैसे हम कहेंगे नासा डू सम क्रेजी स्टफ एंड दैट इज़ कॉल्ड एक्रोनियम, सही है। अच्छा अब जैसे पी आई ए, तो क्या पी आई ए जो है वो एक्रोनियम है या एब्रीवेशन है? एक्रोनियम है, ठीक है, क्योंकि इटसेल्फ अपने आप में एक नाम है वो, हम उसको पी आई ए पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ते हैं पाकिस्तान इंटर। अच्छा इसी तरह जो डॉक्टर है या मिस्टर है जो एम आर, वो एब्रीवेशन है या एक्रोनियम है? ठीक है वो एब्रीवेशन समझ आ रहा है इस चीज़ को देख है। नादरा, हाँ नादरा भी जो एक्रोनियम है इटसेल्फ एक नाम बन गया है ना, हालांकि नादरा का जो है वो जैसे नादरा है वापडा है ये इसका पूरा पूरा एक नाम होता है, नादरा स्टैंड फॉर समथिंग वापडा स्टैंड फॉर समथिंग। तो इस तरीके से ये दोनों में डिफरेंस है।
ठीक है। अच्छा अब क्या एक वेबसाइट में ये लगाना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? ये तो पता है ना, हम देख रहे हैं, हम हमें तो मतलब स्क्रीन पे प्रूफ दिख रहा है, तो प्रोफेसर ही पढ़ेगा देखने वाला बंदा उसको, ठीक है? या अगर नासा दिख रहा है तो उसको पढ़ने वाला उसको नासा ही पढ़ेगा। अब ये लगाने से क्या होगा? स्क्रीन पे तो ये नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नज़र, अच्छा ये हाथ रखेंगे तो नज़र आएगा, वो भी हर ब्राउज़र इसको ज़रूरी नहीं है कि दिखा दे, हर ब्राउज़र ज़रूरी नहीं है कि इसको दिखा दे ये। तो अब क्या ये लगाना ज़रूरी है? अच्छा कौन ये बताएगा कि ये हम क्यों लगा रहे हैं? देखो मैंने लास्ट क्लास में कह दिया था कि हम ये पढ़ेंगे आगे, मैंने बता दिया था ना नाम, कि स्ट्रक्चरल और सेमेंटिक मार्कअप हम नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या था कि आपने खुद से उसको स्टडी करके आना था ना इस पूरे चैप्टर को, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि आप क्या करें, अभी आज जाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या पढ़ना। अच्छा वो ऑब्वियस है वैसे भी, जहाँ तक आज पढ़ेंगे उसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, 8 चैप्टर हमने पढ़ने हैं टोटल इस बुक के, ठीक है? तो वैसे भी ऑब्वियस है कि अगला हमने क्या क्या पढ़ाई करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो भी हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं वो आप घर से उस चैप्टर को रीड करके आएंगे, जितना आप खुद से समझ सकेंगे उतना आप समझ के आएंगे, ठीक है? और फिर यहाँ पे आके ना क्लास के अंदर मैं आपको उसके आगे की चीज़ पढ़ाऊँगा। अच्छा उसके आगे की चीज़ कौन सी भला? बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो इस बुक में लिखी भी नहीं होंगी, है ना? क्योंकि ये बुक जब लिखी गई थी उसके बाद ज़ाहिर डेवलपमेंट हुई है, ठीक है? तो वो तो इस बुक में मौजूद नहीं है। अच्छा लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ क्योंकि मैं मार्केट में हूँ, इंडस्ट्री में मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, तो काम करते हुए जो यूज़ केसेस आते हैं ना रियल लाइफ के, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक में ज़ाहिर नहीं हो सकती, बुक में वो अगले 5 साल में आती है फिर। तो मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा सकता हूँ जो उस बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन उस लेवल पर जाने के लिए आपका साथ चाहिए होगा कि बुक में जितना लिखा हुआ है एटलीस्ट वो आप खुद से पढ़ कर आएँ, डिस्कस उसको स्टिल हम करेंगे इस क्लास में, ठीक है? ताकि जब मैं आपसे सवालात करूँ ना तो ये बेसिक चीज़ें आपको पहले से आ जाती हूँ। अच्छा तो आप फिर देखेंगे कि हमारी क्लास एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो और दुनिया में जितनी भी सीनियर क्लासेस होती हैं दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो क्लासेस होती हैं वो इसी तरह होती हैं। इस तरह नहीं होता है कि टीचर ने बुक खोला हुआ है प्रोजेक्टर के ऊपर, ये तो इसलिए करना पड़ता है कि हमारे यहाँ असल में बुक पढ़ने की आदत ज़रा कम है ना, तो इसलिए करना पड़ता है। ज़रा बुक आप देखें कि अच्छा जी बुक इस तरह पढ़ते हैं, बुक पढ़ने की आपको आदत पड़े ना, बुक देखने की आदत पड़े। हमें आमतौर पर बुक देखने की भी आदत नहीं होती है ना पाकिस्तान के अंदर। तो जितनी भी सीनियर क्लासेस होती हैं उसमें ये होता है कि जी प्रोफेसर आता है क्लास में और आके वो बोर्ड पे एक टॉपिक का नाम लिखता है और वो बातें शुरू कर देता है। अब वो बातें करता है आधा घंटा पौना घंटा जो भी उसकी क्लास का टाइम है, 45 मिनट वो बातें करता है और स्टूडेंट कुछ नोट्स ले रहे होते हैं, कुछ नहीं भी ले रहे होते हैं वैसे भी देख रहे होते हैं, मसला नहीं है। और वो सारी डिस्कशन करके और वो चला जाता है। अच्छा मगर वो डिस्कशन वन वे नहीं होती है, वो डिस्कशन टू वे होती है। वो समटाइम स्टूडेंट से भी ओपिनियन लेता है क्योंकि उसको पता है स्टूडेंट ये चीज़ पहले से पढ़ कर आए हैं, और क्लास से जाते हुए वो बता के चला जाता है कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं। वो बता के जाते हैं, वो कहता है जी यार फला फला बुक से पेज नंबर 56 से लेके 65 तक। अच्छा फिर एक और बुक का नाम बता देता है कि जी फला बुक से पेज नंबर 70 से लेके 80 तक, ये 10 पेजेस, इसके अंदर ये टॉपिक लिखा हुआ है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इस क्लास में, ये आप सब लोग स्टडी करके आना, ठीक है? तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको स्टडी करते हैं, उसको स्टडी करके उनके जहन में जो सवालात आते हैं उसको स्टडी करने के बाद वो सवालात नोट करके क्लास में आते हैं। अब प्रोफेसर आता है क्लास में अगले दिन, वो दोबारा टॉपिक का नाम लिखता है और वो बातें शुरू कर देता है। अच्छा वो बातें होती हैं, जिन स्टूडेंट्स के सवालात होते हैं वो सवालात पूछते हैं, ये भी स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं, तो ये टू वे चलती है क्लास। तो अगर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर जाना है इस तरह से, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है क्लास के अंदर वो आपने घर से थोड़ा सा स्टडी उसको करके आना है, ठीक है? अच्छा और मैं बुक की जो बात कर रहा था कि हमारे यहाँ ना बुक पढ़ने की भी आदत ज़रा नहीं है, हम बुक हमने कभी भी नहीं पढ़ी होती ना आमतौर पर, तो ये भी एक बड़ा मसला है। इस आदत को भी आपने अब क्या करना है, चेंज करना है। मिसाल के तौर पे
हमारे यहाँ स्कूलों में आमतौर पे जो देखने में आता है जो कि नहीं होना चाहिए, मैंने तो जिस भी बच्चे से आज तक पूछा है मेरे अपने टाइम पे, मेरे अपने ज़माने में जो मैंने यहाँ से पढ़ा है वहाँ पे भी यही होता था, और अभी भी मैं जिस बच्चे से भी पूछता हूँ ना स्कूल वाला, तो मुझे ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि जी आप क्लास में जाते हैं सबसे पहला काम क्या होता है कि एक पहला चैप्टर होता है बुक का, टीचर खड़ा करता है एक एक स्टूडेंट को, जैसे चलो रीड करो खड़े होकर, रीडिंग होती है एक एक पैराग्राफ करके, 3-4-5 पैराग्राफ में वो चैप्टर पूरा हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो टीचर कहता है कि जी अब इसके ना क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, है ना, इसी तरह होता है ना बोर्ड पे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोर्ड पे, 3 का, आप उसको क्या करते हैं जल्दी जल्दी देख के कॉपी करते हैं, और टीचर साथ साथ धमकियां भी लगाता जाता है, मिटा दूंगी मैं जल्दी लिखो ऐसे ही है ना। तो आइडियल तो इस तरह नहीं होना चाहिए, आइडियल केस तो इस तरह नहीं होना चाहिए, आइडियल तो ये होना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस जो जो अप्रोच फॉलो होनी चाहिए कि यार ये एक चैप्टर बच्चे ने, चलो रीडिंग की हद तक तो ठीक है, रीडिंग आनी चाहिए बच्चे को, उसके बाद टीचर उस चैप्टर को एक्सप्लेन करेगा ना बच्चे के सामने, ठीक है, या बच्चों से कोई डिस्कशन होगी उस चैप्टर पे। मिसाल के तौर पे एक चैप्टर है कि फादर ऑफ द नेशन, मिसाल के तौर पे कोई चैप्टर है, या कोई कोई भी और चैप्टर हो सकता है, अब वो फादर ऑफ द नेशन चैप्टर में जो 6-7 पैराग्राफ बच्चे ने पढ़े हैं अभी, उस पैराग्राफ में क्या राइटर ने क्या बात की है, कुछ तो बताना चाह रहा होगा ना वो कि फादर ऑफ द नेशन कौन थे, क्या करते थे, कहाँ से पढ़ाई की, इस तरह की कोई बात करना चाह रहा होगा ना, या उनके क्या खिदमात थी वो बात हो रही होगी शायद इस चैप्टर में, तो वो बच्चा उसको अंडरस्टैंड करे। आइडियल तो ये होना चाहिए ना कि समहाउ या तो टीचर समझाए या तो बच्चा खुद उसको समहाउ समझ ले, और समझने के बाद उस चैप्टर के आखिर में जो 5 सवाल जो लिखे हुए हैं उस 5 सवाल का जवाब देने के काबिल हो जाए, है ना। आइडियल तो ये होना चाहिए कि बच्चा वो खुद 5 सवालों के जवाब तलाश कर ले उस पूरी कहानी के अंदर, कि जी ये जो लास्ट में पूछा गया है कि कायदे आजम जो है वो आला तालीम हासिल करने कहाँ गए थे, तो वो उसको पता लग जाए कि अच्छा यार ये यहाँ पे उसने लिखा हुआ था कि ये फला फला जगह गए थे, ठीक है, और उसको वो अपने अल्फाज में 3-4 जुमले या 5 जुमले उसके कंस्ट्रक्ट कर ले अपने अल्फाज में और उसको लिख दे वो। और फिर टीचर का काम क्या है, टीचर जब कॉपी चेक करते हैं, जो हमारे टीचर, तो कॉपी चेक करते हुए टीचर का काम ये होना चाहिए कि वो उस जवाब को पढ़कर उसको वैलिडेट कर दे कि यार आपने जो अपनी अपनी सोच के मुताबिक और अपने अकल को इस्तेमाल करते हुए आपने ये जो 4 जुमले लिखे हैं, तो क्या ये 4 जुमला इस सवाल का सही जवाब था, है ना। समटाइम ऐसा होता है कि वो सवाल पूछा जा रहा होता है तो एक हिस्से सवाल के एक हिस्से का तो जवाब मिल जाता है, दूसरे हिस्से का जवाब नहीं मिलता उसके अंदर, है ना। तो क्या ये जो जुमला 4-5 जुमला आपने लिखा है, क्या ये उस सवाल का मुकम्मल जवाब इसमें आ गया है या नहीं आ गया, ये सवाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं आपने जवाब लिख दिया, या बहुत ज़्यादा लॉन्ग जवाब तो नहीं लिख दिया आपने, जितना सवाल किया जा रहा है जवाब उसी हिसाब से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा जवाब नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, और सम टाइम जवाब का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ता है कि जी अगर अल्लामा इकबाल लंदन गए थे, गायलपन कहाँ गए थे, लंदन गए थे बारेट लॉ करने, वो जर्मनी गए थे, नहीं जर्मनी तो अल्लामा इकबाल गए थे, ये भी वो जर्मनी, कायद आजम लंदन गए थे आई थिंक, इंग्लैंड गए थे, यस नॉट लंदन, इंग्लैंड। अब वो इंग्लैंड मिसाल के तौर पे लॉ करने गए या जो भी करने गए, तो वो उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हो कि जी आला तालीम के लिए वो कहाँ गए, अच्छा जी यहाँ गए, यहाँ से इन्होंने लॉ किया, फिर यहाँ गए, यहाँ से इन्होंने ये वाली तालीम हासिल की, ठीक है, फिर यहाँ से ये वाली तालीम, तो जस्ट लाइक दैट। तो बच्चा अपनी अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए और उसको जो पढ़ा है उसने उसके यानी कॉन्टेक्स्ट में उसका जवाब खुद दे दे, और टीचर उसको वैलिडेट कर दे कि आया कि ये जवाब सही है या गलत है, अगर गलत है तो उसका वो मतलब बच्चों को एक्सप्लेन कर दे कि यार इन्होंने ये जवाब लिखा है, इस तरह नहीं होना चाहिए था, इसका जवाब ये होना चाहिए था, ठीक है, तो वैलिडेशन थी, तो ये एक चैप्टर इस तरह कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर इस तरह से नहीं होता है। अच्छा, इस तरह ना होने का नतीजा ये है कि टीचर क्योंकि बोर्ड पे लिखवाता है क्वेश्चन आंसर, बच्चा उसको कॉपी में लिखता है, लिहाजा किताब से उसका ताल्लुक ख़त्म हो जाता है, तो वो कॉपी और बोर्ड की हद तक रह जाता है, अच्छा फिर और रट्टे की हद तक रह जाता है वो, फिर उस जवाब को उसने रटना होता है और उस रट के उस जवाब को फिर कहीं ना कहीं छापना होता है, और जिस दिन वो एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो उस दिन एक साई ऑफ रिलीफ होता है, यानी वो बच्चा याद इसी नियत से करता है कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके अगले दिन मैंने भूलना है, ये सारा लाजमी भूलना है,
ठीक है, वो कहता बस यार एग्जाम वाले दिन तक ये मुझे याद रह जाए समाओ उसके बाद तो मैंने ये भूल जाना है, तो ये भी एक मसला है। तो आम तौर पे ऐसा नहीं होता है, आम तौर पे जो गोरे पढ़ाई करते हैं, गोरे हमसे देखो आगे हैं ना, ये तो बात माननी पड़ेगी ना हमें, वो हमसे सीधा सीधा टेक्नोलॉजी के अंदर तो एटलीस्ट वो हमसे आगे हैं, बाकी चीज़ों में अगर अखलाकियात वगैरह में हम डिबेट उसमें भी खैर आ गई हैं हमसे वो तो, लेकिन ये कि यार पढ़ाई हम कर रहे हैं ना क्योंकि, तो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में वो आ गए हैं तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए इस मामले में एटलीस्ट, बाकी चीज़ों में अखलाकियात में तो इस्लाम सबसे बेस्ट है आपका। तो एक गोरा जब किताब ख़रीदता है ना तो उसको वो पढ़ता है शुरू से आखिर तक, उनका स्कूलिंग सिस्टम भी ऐसा होता है जो उनको मजबूर करता है पूरा पढ़ने पर। अच्छा, तो इतनी पतली जो बुक होगी ना उसको वो 6 महीने का सेमेस्टर जब ख़त्म होता है तो उस बुक को इतना मोटा कर देता है, क्योंकि जब आप बुक का एक एक पेज बाकायदा खोल के पढ़ते हैं तो कोने उसके मुड़ जाते हैं और कोने मुड़ने की वजह से बुक बड़ी हो जाती है, बुक को वो ना सिर्फ फुला देता है बल्कि वो बीच से दो भी कर देता है उसको, सारी उसकी तारें वारें खोल के बाइंडिंग खोल के वो इसको इस काबिल नहीं छोड़ता है, यही आम तौर पर अगर बुक को पूरा पढ़ा जाए तो इस काबिल नहीं बचती कि उस बुक से कोई और पढ़ सके। हमारे यहाँ क्या होता है हमारे यहाँ ये होता है कि सबसे पहले तो बच्चा जी जब जा रहा है ना 9 में, बच्चा जब 9 क्लास में जाने वाला होता है तो ख़ानदान में एक सबसे पहले तो आवाज़ लगा दी जाती है कि भाई मेरा बच्चा 9 में जाने वाला है, तो किसी के पास कोर्स पड़ा हुआ है 9 का तो कहीं ना कहीं से, बल्कि मल्टीपल जगहों से आवाज़ आती है कि यस पढ़ा हुआ है, बल्कि अम्माएँ तो ख़ास तौर पर संभाल के रखती हैं कि फला खाला का बेटा है वो जब जाएगा तो उसको दे देंगे, हम बुक स्टॉल वाले को नहीं देते हैं ना, उसको संभाल के रखते हैं कि उसको दे देंगे। तो जी आ गया जी ख़ानदान में किसी कज़न के पास से वो पूरा कोर्स आ गया, अच्छा वो कोर्स, अच्छा उसकी अम्मी जब आएंगी ना वो किताबें लेके, वो भी तारीफ़ें करते हुए आएंगी कि ये मेरा बच्चा है इसके अंदर एक निशान भी नहीं लगाया बुक में इसने है ना, और उसकी वो पूरी फिर जल्दें विल्दें उस पर चढ़ाई जाती हैं, चिमकी चढ़ाई जाती है, तो चिमकी वगैरह सारी चढ़ा के ना उस पर जल्दें चढ़ा के फिर अच्छा सा स्टिकर लगाते हैं नाम का, नाम लिख देते हैं उसके ऊपर, उसके बाद होती है पढ़ाई 1 साल तक। अच्छा, लेकिन घर से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती है कि उसके ऊपर कोई पेन से कोई निशान नहीं लगना चाहिए, यही होता है ना, और अगर निशान लगे भी तो वो पेंसिल से होता है कि उसको मिटाया जा सके, कोई एक भी पेज मुड़ना या फटना नहीं चाहिए, यही इंस्ट्रक्शन होती है ना घरों से आमतौर पर, क्योंकि मेरी तो ज़रा डायनेमिक्स कराची की है ना, तो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट ही हो रही हैं मेरे हिसाब से, तो इसीलिए मैं वैलिडेट कर रहा हूँ कि हाँ भाई इसी तरह होता है या कुछ अलग होता है यहाँ पे, बिल्कुल इसी तरह है ना। अच्छा, अब वो साल पूरा ख़त्म होता है, वो जैसी साफ़ सुथरी किताब होती है उसी तरह साल के आखिर तक वो साफ़ सुथरी रहती है, जैसा कि उसको किसी ने खोला ही नहीं है और साल ख़त्म होने के बाद भी वो जिस रेट में वो आई होती है बुक स्टोर से उसके आधे रेट में वापस बुक स्टॉल वाला ले लेता है उसको, या तो उसको रख दिया जाता है दोबारा, जैसे ना क्या वो आर्किटिक वॉल्ट के अंदर उसको रख दिया जाता है कि अब ख़ानदान का कोई दूसरा कज़न जब जाएगा 9 क्लास में तो वो इससे पढ़ाई करेगा, और इसी तरह ये किताब नसल दर नसल हमारे पास चलती है, वो कहते हैं ना सोफे गद्दे का जो इश्तहार हो, कहते हैं नसल दर नसल का आजमूदा, पता नहीं इस तरह कुछ कहते हैं, हाँ जब तक वो कोर्स चेंज ना हो जाए जब तक वो नसल दर नसल वो किताब चलती है, और उसके बाद एक दिन आता है कोर्स अगर चेंज कर देना गवर्नमेंट गलती से, वो कहते हैं यार ये कोर्स क्यों चेंज कर दिया अब ख़रीदना पड़ेगा तो यार ये अभी तक तो हो गया ना, मसला नहीं है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज के बाद हमने अपना जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर अभी ये 8 चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे ना, आपका टेस्ट होगा इसी बुक से मुताल्लिक, ठीक है। अच्छा, उस टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना वो मैं नहीं बताऊंगा आपको कि ये इसमें ये क्वेश्चन आएगा, या इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देते ना टीचर की ये इंपॉर्टेंट्स हैं, तो कोई इंपॉर्टेंट का सीन नहीं है, कुछ नहीं है यार, ये बुक में से कहीं से भी होगा, वो 50-100 क्वेश्चन होंगे MCQs बेस वाले, अभी पता नहीं कितने होंगे वो टेस्ट, क्योंकि मैनेजमेंट वाले बनाते हैं, मेरा काम नहीं है टेस्ट का, होगा लेकिन इसी बुक से वो, तो वो टेस्ट आपके पास MCQs आएगा, वो आप पूरा का पूरा टेस्ट देंगे, तो वो टेस्ट में वही बंदा पास होगा जो जिसने बुक पूरी पढ़ी होगी।
अगर कोई बंदा असाइनमेंट्स वगैरह बना रहा है, देखो इस कोर्स के ना दो पहलू हैं, एक तो असाइनमेंट्स हैं प्रैक्टिकल वर्क है, एक है ये थ्योरी वाला वर्क कि आपको डेटा पता तो ना एटलीस्ट। अभी जो मैंने आपको बताया ना कि एक स्ट्रक्चरल मार्कअप होता है एक सिमेंटिक मार्कअप होता है, तो ये आपको ये याददाश्त वाली चीज़ है ना कि ये आपको मैंने बता दिया, ये आपकी नॉलेज में आ गया। अब इस चीज़ को असाइनमेंट्स के ज़रिए वेरीफाई नहीं किया जा सकता, इसके लिए तो टेस्ट लेना पड़ेगा। इसी तरीके से मैंने जैसे ये बताया कि जी ये एब्रीवेशन और एक्रोनियम में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कहाँ पे एब्रीवेशन लगेगा कहाँ पे एक्रोनियम लगेगा, तो ये तो इसको असाइनमेंट्स के ज़रिए वेरीफाई नहीं किया जा सकता, इसके लिए तो याददाश्त का टेस्ट होगा आपके ना, ये कि आपको जो बातें बताई गई हैं या आपने जो यादें जो क्लास में जो बातें पढ़ी हैं आपने, तो वो किस हद तक आपने उसको मेमोराइज किया हुआ। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसका रट्टा लगाना है, ये जस्ट पता लग जाना इनफ है। आपको पता लग गया ना यहाँ पे कि अच्छा ये एक एब्रीवेशन होता है एक एक्रोनियम होता है, और दोनों की डेफिनेशन भी पता लग गई कि क्या होता है, तो ये इंशाल्लाह भूलेंगे तो नहीं। अब हाँ, एक चीज़ आप करें ना तो ये और आसानी से आपको याद रहेगा कि अब जितने भी आप मज़ीद असाइनमेंट्स बनाएंगे उनमें आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, एम्फेसाइज का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे, ये प्रोफेसर जो लिखा हुआ है इस तरह करके आप एब्रीवेशन जहाँ आएगी तो वहाँ एब्रीवेशन का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, कमेंट में बिल्कुल आप लिखेंगे कोडिंग की, ठीक है, तो आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद रहेगा, इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे आप उसको, ठीक है। तो हमने अपना एटीट्यूड चेंज करना है। इस कोर्स के अंदर हम कम से कम 5-6 किताबें शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे पूरी। किताबें पढ़ने के अलावा कोई और तरीका नहीं है भाई, कोई और तरीका नहीं है। और इस कोर्स के आखिर में ये भी टारगेट रहेगा कि जी आपको ना किताबें पढ़ने की आदत हो जाए, ताकि आप, क्योंकि ये तो कोर्स आपका हेड स्टार्ट होगा, हेड स्टार्ट समझते हो ना कि आपको एक गली के नुक्कड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि जी यही सही गली है, अब उस गली में चलोगे आप खुद, तो ये कोर्स इज़ अ हेड स्टार्ट जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो लर्निंग चलती रहेगी ना यार। मैंने 10 साल पहले पढ़ाई की थी ये वाली, पता नहीं 15-12 साल पहले, और पिछले 10 सालों से तो मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आती है उसको सीखना पड़ता है, उसको सीखे बगैर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अभी इस वक्त भी राइट नाउ मैं कुछ नई चीज़ें वो लर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अभी रिसेंटली एक डेटाबेस बड़ा मशहूर हो गया, वेक्टर डेटाबेस, सब लोगों ने उसकी डिमांड शुरू कर दी कि जी वेक्टर डेटाबेस हमें चाहिए, तो वो सीखना पड़ा, ऑप्शन नहीं है और भी। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि यार ये तो मुझे नहीं आता या ये मैं नहीं सीखूंगा, तो गया क्लाइंट हाथ से, वो बोलेगा ठीक है जो करता है उससे मैं करवा लूँगा, आप मत करो। वो थोड़ी ज़बरदस्ती करेगा कि नहीं है मुझे तो करके दो, इस तरह थोड़ी बोलेगा वो। वो कहेगा अच्छा ठीक है आप नहीं करते हो, मैं को दूसरा बंदा देख लूँगा जो ये कर दे। तो वैक्टर सर्च लगा रहे हैं सब लोग अभी, पाइन कॉन के नाम से डेटाबेस, इंशाल्लाह वो आप भी पढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो जो नई चीज़ें सीखता जाता हूँ वो मैं आपको भी पढ़ाता जाता हूँ कोर्स के अंदर। अच्छा, इसी तरह अभी हम पहले रिएक्ट पे काम करते थे, अभी नेक्स्ट जेएस आ गई है, तो नेक्स्ट जेएस सीखना पड़ेगा भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडस्ट्री में एक चीज़ की डिमांड है आप बोले नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो इंडस्ट्री मूव होगी, पूरी की पूरी इंडस्ट्री जब मूव होगी तो आपको भी साथ में मूव करना पड़ेगा। आप नहीं मूव होंगे, आप वहीं खड़े रहेंगे अगर, तो गेम ओवर आपका। आप अगर आगे नहीं बढ़ेंगे इंडस्ट्री के साथ तो गेम ओवर है। अच्छा, आपको लोगों ने बोला होगा कि यार कंप्यूटर साइंस में किधर एडमिशन ले लिया, इसमें तो सारी ज़िंदगी पढ़ाई करनी पड़ेगी, यही बोला होगा ना। तो ये हर फील्ड में होता है भाई तो, लेकिन आप देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में हम वहीं खड़े हुए हैं ना अभी तक, हम वही पेट्रोल डीजल इंजन की बात करते हैं हम, तो उसका लिहाजा मतलब ये है कि हम सबसे पीछे हैं पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स बन रही हैं, हमारे यहाँ नहीं बन रही। आप दुनिया में आपको आमतौर पर रोडों पर 20% गाड़ियाँ ना इलेक्ट्रिक नज़र आएंगी अब इस वक्त, यूरोप के अंदर अमेरिका के अंदर 20% गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, फुली इलेक्ट्रिक हैं। हमारे यहाँ ले देंगे वो एक ही ईट्रॉन चल रही है सिर्फ, वो भी इक्का दुक्का ही कभी नज़र आ जाती है, कोई महीने में एक दफ़ा नज़र आ गई तो आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हम, हमारे यहाँ है और कोई है गाड़ी इलेक्ट्रिक ईट्रॉन के अलावा? बस एक ही गाड़ी है ईट्रॉन, बस। नहीं, बिजली भी क्या महंगी है, ये हम बंदों ने महंगी की भी है। हमारे बिजली का तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास आपको पता है इतने बिजली घर हैं हमारे पास कि हम ऐसा 4 पाकिस्तान भी हम चलाएं ना तो बिजली घर कम नहीं है हमारे पास, बिजली घर तो बहुत हैं। लेकिन मसला ये है कि हम उस बिजली घर को हम चलाते हैं पेट्रोल से, और पेट्रोल हम ख़रीदते हैं बावजूद इसके कि हमारे पास बलूचिस्तान में पेट्रोल निकलता है। पेट्रोलियम जो है ना, असल में पेट्रोलियम जो निकलता है वो तो एक ही होता है, वो जो डामर की तरह का होता है, ब्लैक क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, है ना, या कार्बन ऑयल कहते हैं उसको।
तो वो कार्बन ऑयल टाइप की एक चीज़ निकलती है, उसमें से फिर वो सेपरेट किया जाता है, इथाइल बुटाइल फेनाइल पता नहीं और क्या गया, तो उसमें से गैसोलीन वगैरह ये डीजल शीजल ये जो चेहरे पे लगाने का वैसलीन है ये सब उसी में से अलग होता है, वो एक ही एलिमेंट है उसमें से सेपरेट कर करके निकालते हैं। तो बावजूद इसके कि हमारे पास बलूचिस्तान के अंदर ये इसके ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि हम उसको ख़ुद से एक्सट्रैक्ट कर सकें। लिहाजा हमने क्या किया, हमने अमेरिकन कंपनी को बुला के हमने कहा कि जी ये हमारे पास निकल आया है पेट्रोल, अभी हमें निकालना नहीं आता है, तो लिहाजा आप निकालो और आप इसको साफ़ करके हमें ही बेचो दोबारा। तो ये हमने किया हुआ है अपने साथ, ठीक है। तो पेट्रोल हमें ख़रीदना पड़ता है इसलिए बिजली हमारी महंगी है। अदरवाइज़ अगर ये बिजली घर हमारे एटमी बिजली घर होते, एटॉमिक पावर प्लांट होते, तो उसके अंदर तो कोई कॉस्ट नहीं है इतनी ज़्यादा, उसके अंदर तो सिर्फ लेबर की कॉस्ट है, बाकी उसमें जो यूरेनियम वगैरह डलता है वो तो इतना महंगा नहीं है, वो सस्ता ही है, और यूरेनियम भी एक्सट्रैक्ट हो जाता है पाकिस्तान में, उस वो भी अवेलेबल है नेचुरली, हमारे पास अवेलेबल है पाकिस्तान में वो भी। तो ये तो हमने ख़ुद अपने साथ किया भाई, बिजली का हमारे पास सही मानों में देखा जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा फिर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हमने किए हैं पता नहीं कौन कौन सी बिजली की कंपनियों से कि जी हम आपसे बिजली लेंगे ही लेंगे, तो ये हमारे ज़रा हुक्मरान जो है ना बदनीयत हैं थोड़े से, ये इस वजह से हमारे पास बिजली का मसला है, वरना बिजली का तो हमारा कोई मसला नहीं है, बिजली इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो पूरी दुनिया तो बिजली फ्री है, पूरी दुनिया के अंदर इसको कहते हैं ना रीन्यूएबल एनर्जी है, बिजली तो फ्री है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, ये तो सिर्फ हम हैं जो बिजली के पैसे देते हैं, हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, हम बिजली के पैसे देते हैं। लेकिन ये मसला हल कैसे होगा, ये मसला हल ऐसे होगा क्योंकि ये बात मुझे समझ आ रही है ना, अगर तो ये एक लीडर को जो है सेनेट में बैठा हुआ उसको क्यों नहीं समझ आ रही है बात, मसला ये वो कॉम्पिटेंट नहीं है, इनकॉम्पिटेंसी की हदें पार कर दी हमने सारी। तो लिहाजा इस कोर्स के अंदर हमने क्या करना है, हमने बुक पढ़नी है, कॉम्पिटेंसी हासिल करने का बुक पढ़ने के अलावा कोई और तरीका नहीं है, है ना। हमें अगर पता हो कि हाँ यार ये बुक है इसको पढ़ के ये मुझे आ जाएगी चीज़, तो उस बुक को मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो इस कोर्स के अंदर हम शुरू से आखिर तक 4-5 बुकें ऐसी हैं जो तो हम शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की तरफ मूव हो जाएंगे कि कोई हम टूल इस्तेमाल कर रहे होंगे उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो हम उसको फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं, ज़रा मैं ब्रीफली उसको रिवाइज़ कर दूँ। नंबर एक बात कि जी आपने जो है ना जो भी चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो पहले से पढ़ के आना है आपने, ताकि मैं उसके आगे की बात बताऊँ आपको। नंबर दो, बुक को पढ़ना है, सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने की बात नहीं है, आप ये बुक पूरा आखिर तक पढ़ें, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि आपका टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि आपको कंप्यूटर साइंस में लोग बोलेंगे कि यार इसमें तो हर वक्त पढ़ते रहना पड़ता है, भाई ये हर फील्ड में पढ़ते रहना पड़ता है, ठीक है। जिस फील्ड में हमने नहीं पढ़ाई की आप देखें उसमें पीछे रह गए, ठीक है। तो ये हर फील्ड के अंदर आपको पढ़ाई करते रहनी है। इस वक्त अनपढ़ की जो डेफिनेशन है ना वो चेंज हो चुकी है, आज से 5-10 साल पहले अनपढ़ की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि जो स्कूल कॉलेज नहीं किया, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, उसको हम कहते थे अनपढ़ है, यानी पढ़ना नहीं जानता है, लिखी हुई चीज़ को पढ़ नहीं सकता। लेकिन अभी अनपढ़ की डेफिनेशन क्या हो चुकी है कि अगर आपने 3-4 साल में कोई नई स्किल नहीं सीखी, मिसाल के तौर पर अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो अगले 4 सालों में आपने कोई नई चीज़ उस इंजीनियरिंग के अंदर नहीं सीखी, अगर ऐसा तो है नहीं कि तरक्की रुक गई है, तरक्की तो हो रही है कॉन्स्टेंट तरीके से, आपने नहीं सीखी अगर तो आप अनपढ़ हो गए, आप अनपढ़ काउंट होंगे अब। या कंप्यूटर साइंस के अंदर तो ये है ही, इवन डॉक्टर्स में भी अभी आप देखें डॉक्टर में ये रोज़ नए वायरस आते हैं, कोई नई बीमारियां आती हैं, नए मेडिसन्स होती हैं, नई ईजादात होती हैं, ठीक है। ये अभी फाइबर केबल आ गई है इंटरनेट के अंदर, तो ये नेटवर्किंग वाले जो बोलते हैं कि यार नेटवर्किंग में तो नहीं है, तो वो उसमें भी है भाई सारा, अभी सारे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क हो गए, सॉफ्टवेयर लेवल पर ये सारा काम हो रहा होता है, अब हार्डवेयर में नहीं होता ये काम, पहले होता था राउटर के अंदर होता था ये सारा, अब राउटर प्रोग्रामेबल होते हैं, उसमें प्रोग्राम आप रिमोटली बैठ के कर रहे होते हैं। तो आप जैसे जिधर भी आप नज़र करेंगे ना, तो पिछले 5 साल में इतनी चेंजेस आ गई हैं कि 5 साल में अगर किसी ने कोई नई चीज़ नहीं सीखी तो वो आउट ऑफ मार्केट हो गया। इवन मोबाइल रिपेयरिंग में भी आप देखें, मोबाइल में तो आप इतनी एडवांसमेंट आ गई है, पहले वो पूरा इतना बड़ा सर्किट बोर्ड होता था, अब इतना सा होता है, ये बोतल का ढक्कन है ना, इतना बड़ा सर्किट बोर्ड होता है फ़ोन के अंदर, ये पूरे जो इतना बड़ा फ़ोन होता है ना, ये इसके अंदर सर्किट बोर्ड इतना बड़ा थोड़ी होता है, छोटा सा होता है वो, ये ढक्कन जितना बड़ा होता है, ठीक है। जो जो ये सारे फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, ये चाइनीज़ जितने वेरियंट हैं उसमें भी छोटे छोटे बोर्ड्स होते हैं, तो वो इतना छोटे से बोर्ड के अंदर ही सारा काम हो जाता है, बाकी पूरे फ़ोन में बैटरी होती है और LCD होती है। तो ये 4G 5G ये सारा आ गया है,
इसके अंदर जो डिस्प्ले के अंदर इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हमारे वाले तो इसको चेंज भी नहीं करते। हमारे वाले तो बोलते हैं बस ये चेंज हो ही नहीं सकता, ये इतना माइक्रो इसको कैसे चेंज करेंगे हम, तो लिहाजा वो डिस्पोजेबल हैं। अभी नई जो डिवाइसेस जितनी भी सारे डिस्पोजेबल डिवाइस हैं, तो आप देखें एडवांसमेंट हर तरफ हो रही है। तो लिहाजा अगर हमने पढ़ाई नहीं की कुछ भी सोच के, ये सोच के कि यार मैकेनिकल में तो पढ़ाई नहीं करनी होती, इसमें एक दफ़ा सीख लो, पेट्रोल इंजन तो चल ही रहा है आज तक। पेट्रोल इंजन कौन सा चल रहा है भाई आज तक? जो 80s में जो पेट्रोल इंजन होता था, क्या अभी का पेट्रोल इंजन सेम है? 80s के अंदर होता था कार्बोरेटर, जिसको हमारे देसी जबान में बोलते हैं कार्पेटर बोलते हैं, कार्बोरेटर असल नाम है उसका। तो अब तो वो कार्बोरेटर ख़त्म हो गए, अब तो उसकी जगह इंजेक्टर होता है। और वो पहले जो कार्बोरेटर जो कंट्रोल होता था, वो थ्रॉटल ऐसे घुमाते थे, हाथ से घुमाते थे तो होता था, या अगर गाड़ी है तो उसमें पैर के एक्सीलेटर में एक वायर होती थी, वो दबाने से वो वायर खींचती थी, उससे वो थ्रॉटल खुलता था। अब तो वो सारा इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है, EFI लगा होता है आजकल गाड़ियों में, और वो जहाँ पे नीचे पैर होता है आपका एक्सीलेटर में, वहाँ सेंसर होता है। तो और इवन मोटरसाइकिल्स भी जो नई वाली हैं, वो भी EFI सारी नई वाली, तो EFI में आप जब वो एक्सीलेटर घुमाते हैं तो तार नहीं होती उसके अंदर, वो सेंसर होता है, वो सेंस करता है कि आपने कितना उसको घुमाया है, और उस हिसाब से वो थ्रॉटल खोलता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये तो सारा चेंज हो गया, ब्रेकें चेंज हो गई हैं। पहले ब्रेकें क्या होता, उसमें भी वायर होती थी, वायर खींचो तो टायर में से दबता था तो टायर रुक जाता था, अब तो वो नहीं है। अब उसके अंदर जो है वो, पहले तो हाइड्रोलिक आया, तार ख़त्म हुई, हाइड्रोलिक आया, अब हाइड्रोलिक के बाद जो है ABS आ गया। अब ABS क्या करता है, वो चारों टायर की मूवमेंट को देखता है, वो टायर को जाम नहीं होने देता, वो टायर हल्का हल्का उसको चलाता रहता है, वरना तो गाड़ी स्किट हो जाएगी, गाड़ी को स्किट नहीं होने देता वो एक एक टायर को अलग अलग ब्रेकिंग करता है, चारों टायरों की अलग अलग ब्रेकिंग करता है। और वो जैसे ही टायर जाम होता है थोड़ा छोड़ता है, फिर पकड़ लेता है, थोड़ा छोड़ता है। पहले के ड्राइवर जो डबल पंप ब्रेक मारते थे जो, तो वो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली कर लिया है ना, वरना वो ड्राइवर अपने आप को बड़ा उस्ताद समझते थे कि यार हम डबल पंप लगा के ना 100 पे जाती हुई गाड़ी को हम 2 सेकंड में रोक लेते हैं। वही सारा काम अब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, बिल्कुल वही अप्रोच है जो हमारे ड्राइवर पहले करते थे। तो ये तो सारा चेंज होता जा रहा है, कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं है गाड़ी के अंदर जो 80s में और अभी और सेम हो, ऐसा इवन स्टेयरिंग भी सेम नहीं है। पहले स्टेयरिंग आपको पता है, स्टेयरिंग घुमाते हुए हार्ट टूट जाता था लोगों का, पता है ना? स्टेयरिंग घुमाते हुए हार्ट टूट जाता था लोगों का, वो इस तरह टूट जाता था कि जाहिर है गाड़ी के टायर तो बड़े होते हैं अच्छे खासे, अब वो आपने स्टेयरिंग को यूं घुमाया, अब वो घुमाने के दौरान ना टायर के नीचे कोई पत्थर आया जिसकी वजह से टायर वो यूं घुमाया से, तो जब टायर घुमा तो साथ में उसने स्टेयरिंग को भी घुमाया और हाथ आपका उसके बीच में आया तो हाथ तोड़ देता था वो। बहुत सारे लोगों के हाथ टूटे होंगे इस तरह, अगर जो इस वक्त, लेकिन इस वक्त उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होंगी, जो बूढ़े पुराने ड्राइवर हैं ना उनसे आप पूछेंगे तो हाथ टूटे हुए लोगों के बहुत इसके चक्कर में। अच्छा, अभी वो मसला ख़त्म हो गया, अभी पावर स्टेयरिंग होता है, यानी स्टेयरिंग और पहिए का कनेक्शन नहीं होता आपस में डायरेक्ट, ये इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होते हैं कि जितनी स्टेयरिंग आप घुमाते हो वो सेंस करता है और उतना ही टायर को घुमा देता है। तो इसमें अगर वो वाला हो ना कि टायर के नीचे कोई चीज़ आए तो स्टेयरिंग टूट तो सकती है लेकिन स्टेयरिंग घूमेगी नहीं, हाथ नहीं तोड़ेगी आपको। तो आप देखें इवन स्टेयरिंग भी चेंज हो गई है, देखने में तो लगता है कि वो वही स्टेयरिंग ऐसे से घुमा रहे हैं लेकिन सब अंदर चेंज है भाई। तो हम ये बात जान चुके हैं कि हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, बहुत एडवांसमेंट हो गई है, हम पीछे रह गए हैं, तो अब हमने ये पीछे नहीं रहना, हमने इस बुक को पूरा पढ़ना है। अच्छा, असाइनमेंट आपका कोई भी नहीं है आज की क्लास में, असाइनमेंट आपका लेकिन ये है कि जो भी अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो आपने पढ़ाई करके आनी है। अच्छा, ये मुझे खुद ही पता लग जाएगा, ये मुझे कैसे पता लग जाएगा? हाँ, किसी दिन में ये हमारे टीचर थे, उन्होंने हमारे साथ किया था ये, उन्होंने क्या किया, एक टॉपिक हमें कहा कि यार ये पढ़ कर आना, और वो टॉपिक हम पढ़ के नहीं गए ऑब्वियसली। वो फिर उन्होंने आते ही क्लास में पूछा, हाँ भाई सबने पढ़ लिया है? फिर उन्होंने चार्ट बनाया बोर्ड के ऊपर, उन्होंने कहा हाँ भाई इसमें कोई मसला तो नहीं है? हमने कहा नहीं, मसला तो कोई नहीं है, बिल्कुल सही आपने बनाया माशाल्लाह। तो वो उन्होंने असल में उल्टा बनाया था हमें चेक करने के लिए ना, तो उनको उनको पता लग गया कि यार आप में से किसी एक ने भी खोल के भी नहीं देखा है ना, तो मैं आपको भी इसी तरह चेक कर लूँगा, वो पता लग जाता है, मैं एक बात पूछूँगा यार ये क्या मतलब है इसका, तो वो जो बुक में ये बात लिखी हुई है और वो आपको अगर नहीं पता हुई तो इसका मतलब आपने नहीं खोला।
ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये एब्रीवेशन और एक्रोनियम तक हमने कवर कर लिया, इसके आगे की जो बात है ना, ये साइटेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये ऑथर डिटेल, ये सारा आपने पढ़ना है, ठीक है। और ना सिर्फ पढ़ना है, इसको आपने एक्सप्लोर भी करना है कि ये क्यों लगाते हैं, कब कहाँ पे लगाते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है, ये आपने सारा एक्सप्लोर करके आना है, ठीक है।